आगे पांचवें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। जी हाँ, चलते वक्त या फिर मूव करते वक्त जो भी कंसिस्टेंसी रहती है उसे हम बेस कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में बेस का मतलब है टेम्पो। ये टेम्पो रेट ऑफ मूवमेंट है। जैसे किसी पुरानी गन में अगर हम शूट करेंगे वो स्लो टेम्पो में शूट करेगा, और जो नई गन है उसमें से अगर हम शूट करेंगे तो वो फास्ट शूट करेगी, उसका टेम्पो फास्ट होगा। टेम्पो की वजह से नेचुरलनेस आता है, और इसी वजह से स्पीच देते वक्त हमें हमारी आवाज में उसी टेम्पो को कम या फिर ज्यादा करते आना चाहिए। यानी बात करने में अगर हम उतार चढ़ाव के साथ बातें करेंगे तो पब्लिक बोर नहीं होगी। जैसे किसी ने कहा था, चेंज ऑफ बेस एक एक्टर के लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है, क्योंकि एक स्पीकर जब अपने बात करने का लिहाज एक टेम्पो में चेंज कर लेता है, उसकी बातों में उतार चढ़ाव लाता है, तो उसकी बातों में एक नेचुरलनेस आ जाता है जिससे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल फील करती है। तो वो जो एक नेचर क्रिएट हो जाता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक स्पीकर के तौर पर, एक स्पीकर के लिए। इसका मतलब तो ये नहीं होता कि आप अचानक से अपना टेम्पो चेंज कर लेंगे। आपको अगर कोई मजेदार बात बतानी है या फिर कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है तो आप आपकी ऑडियंस के सामने आपके बात करने का टेम्पो थोड़े से अलग मोड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना लगे बड़ी घबराहट में या फिर जल्दबाजी में चेंज किया हो। उस वजह से क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप घबरा रहे हो। आपको इस तरह से एक खास डिग्री में उस टेम्पो को चेंज कर लेना है ताकि आप आपकी ऑडियंस के बीच में एक नेचुरलनेस ला सके। इसकी वजह से ऑडियंस भी आपकी बातों को नोट कर लेंगे। इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, वरना आपके मोमेंट्स बहुत ज्यादा फास्ट हो सकते हैं। इसीलिए टेक योर टाइम और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं सारी प्रैक्टिसेस के साथ एक छोटे से चैप्टर की बात करेंगे। जब आप बातें करने में हिचकिचाते हो, कभी रुक जाते हो, तो उसके बीच में उस बात को नॉर्मल तरीके से दिखाने के लिए आपको पॉज लेने की बहुत जरूरत होती है। एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर को पता होता है कि उसे पॉज कहाँ पर लेना है और कहाँ पर नहीं, और इसी के वजह से आपकी स्पीच पर इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है। आपको इम्पोर्टेंट बातों के पहले या फिर फ्रेजेस के पहले पॉज लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस वजह से आप इंडिकेट करते हो कि आप जो बोलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी ऑडियंस उसे नोट कर ले। मगर ये पॉज भी आपको एक लिमिट में लेना होता है। आप अगर बहुत लंबा पॉज लेंगे तो वो आपकी स्पीच एक अलग ही मोड में प्रेजेंट हो जाएगी, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको आपके पॉज को कहाँ पर यूज करना है और उसे कितनी लिमिट तक यूज करते रहना है। और पता है, इस पॉज की वजह से और एक बेनिफिट ऐसा होता है कि जिस दरमियान आप एक पॉज लेते हो उसमें आपको आगे वाला जो टॉपिक है, जो आप बोलने वाले हैं, वो भी आपको सोचने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो इतने अच्छे मौके को तो हम नहीं गवाएंगे, तो इसीलिए पॉज उतना ही ले जितना सफिशियंट है, जितना ठीक लगे। जब स्ट्रॉन्ग फ्लो की जरूरत होती है तो हमें पॉज लेना बेहद जरूरी हो जाता है। एक ऑडियंस के मन में स्पीकर्स के थॉट नहीं भरे हुए होते हैं, स्पीकर्स को वो उन्हें बताना पड़ता है। इसीलिए पॉज देने के बाद आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनके सामने रखते हैं, और ये टॉपिक जब फोर्सफुली उनके सामने जाता है तो उसके बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि वो आपकी बातों को नोट कर ले। तो इस पॉज का ये फायदा होता है कि आपकी ऑडियंस अवेयर हो जाती है आप जो कुछ भी बातें करने वाले हैं उसको नोट करने के लिए। तो आपको आपकी ऑडियंस के माइंड को रेस्ट देने के लिए एक छोटा सा पॉज, एक छोटा सा स्पेस उसमें रखना ही चाहिए। इसीलिए इस पॉज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।